क्या तो हम लोग को भेजे हैं, कई माननीय विधायक हम लोग आए हैं यहाँ से, पटना से चलकर हम आए हैं, आपके लोकल विधायक मीनापुर गायघाट ये सब लोग आए हुए हैं, और आपके विधायक भी आए हुए हैं, जो प्रत्याशी थे वो भी आए हुए हैं, कई कमेटी के लोग जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो शराब से मृत्यु हुई है ये हर कोई जानता है बिहार में। शराब बंदी नहीं है, शराब सरकार के संरक्षण में चल रहा है, और एनडीए के नेता जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख में शराब बिक्री हो रही है, और शराब के खेप पर खेप आ रहा है, उसी में नशा ज़्यादा हो तो ऐसा मिलावट केमिकल का किया गया जिससे यहाँ 6 लोगों की मृत्यु हुई है, इस जिले में 12 लोगों की मृत्यु हुई है और 4-5-6 आदमी घायल भी हैं, कई लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई है। ये सरकार चाहती है कि बेरोजगार रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं तो शराब पिलाओ कि लोग की मौत हो, न रहेगा बांस न बजेगी बसली और लोग रोजगार की मांग नहीं करेगा। बिहार में हो रही जहरीली शराब से मौतों के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के कांटी और सरैया में हुई मौतों के बाद आरजेडी ने सरकार के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी और सरैया में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आज आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जिले के आरजेडी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और आरजेडी की तरफ से पीड़ित परिवार को सहयोग राशि दिए जाने की बात कही। हमारे संवाददाता गौरव से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। है विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ रही है। मुझे मुजफ्फरपुर के कांटी में 6 मौत के बाद आज आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र कांटी प्रखंड में मृतक के परिजन से मिले हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ लगा है, शराबबंदी से लगातार मौत हो रही है बिहार में। शराबबंदी नहीं है, शराब सरकार के संरक्षण में चल रहा है, और एनडीए के नेता जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख में शराब बिक्री हो रही है, और शराब के खेप पर खेप आ रहा है, उसी में नशा ज़्यादा हो तो ऐसा मिलावट केमिकल का किया गया जिससे यहाँ 6 लोगों की मृत्यु हुई है, इस जिले में 12 लोगों की मृत्यु हुई है और 4-5-6 आदमी घायल भी हैं, कई लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई है। ये सरकार चाहती है कि बेरोजगार रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं तो शराब पिलाओ कि लोग की मौत हो, न रहेगा बांस न बजेगी बसली और लोग रोजगार की मांग नहीं करेगा, इसलिए सरकार के संरक्षण में शराब बिक्री हो रहा। 16 तारीख को नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष पे कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ शराबबंदी किया गया था, विपक्ष अब सहयोग नहीं कर रहा। अरे भाई सहयोग तो हम लोग कर रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन लोग हैं मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो शराब माफिया है उनके साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है, उनके साथ गले से गले मिल रहे हैं जो शराब माफिया हैं बिहार के, और उनके यहाँ जो एनडीए के नेता हैं और रसूखदार नेता हैं उनके देखरेख में ये शराब का खेप चल रहा है। विपक्ष अब आगे क्या पहल करेगी शराब? सदन में हम लोग आवाज उठाते रहे पिछले बार भी, और 29 तारीख को फिर सदन शुरू हो रहा है, हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। हमारे जिला के अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर के, उनके नेतृत्व में यहाँ भी गुप्ता जी के नेतृत्व में यहाँ सभी माननीय विधायक लोग आंदोलन करेंगे और पार्टी के लोग बैनर के तले काम। आज परिजन से मिला गया है मृतक के परिजन से, क्या कुछ संवेदना? न हम लोग तो पार्टी की तरफ से संवेदना भी व्यक्त किया है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन लोगों के लिए कुछ सहयोग राशि भेजा है, उन लोगों को परिजन से मिलकर हम संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं और सहयोग राशि भी प्रदान कर रहे हैं। तो आप आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे, क्या कुछ कहा है, और कहीं ना कहीं सरकार की जो दावे हैं शराबबंदी के, उस शराबबंदी की दावे कहीं ना कहीं आज पोल खुल रही है और मुजफ्फरपुर में लगातार हुए शराबबंदी ये भी कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश है और मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं। यादव हम लोग को भेजे हैं, कई माननीय विधायक हम लोग आए हैं यहाँ से, पटना से चलकर हम आए हैं, आपके लोकल विधायक मीनापुर गायघाट ये सब लोग आए हुए हैं, और आपके विधायक भी आए हुए हैं, जो प्रत्याशी थे वो भी आए हुए हैं, कई कमेटी के लोग जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो शराब से मृत्यु हुई है ये हर कोई जान रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि शराब पिए लोग मरे लोग, बेरोजगार को रोजगार नहीं दे रहे हैं,
तो सोच रहे हैं जैसे ही पी पा के मरे लोग, इसलिए शराब के खिलाफ में आप लोगों को जागरूकता पैदा करना चाहिए और आपके विधायक भी जागरूकता पैदा करेंगे, आपके साथ देंगे, शराब कोई ना पिए और पिए उसका विरोध आप लोग के लिए। और राशि उन्होंने कुछ भेजा है लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मदद के रूप में आपको भेजा है। ना, और संवेदना व्यक्त किया है, परिवार की मृत्यु हुई है, काफी दुख व्यक्त किए हैं आने में लालू प्रसाद यादव ने, और कहे कि गरीब हमारा भाई लोग का मृत्यु हुआ है, हम उनके साथ आज करवा।